अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और अपने चैनल डॉक्टर अजमल टीवी के मारूफ प्रोग्राम शर्मीली शो में हाजिर खिदमत। मैं समझता हूं कि शो का टाइम जरा लेट हो गया है, उसकी वजह शर्मीली है। व्यूअर्स, मैं इस शर्मीली से बहुत तंग आ चुका हूं, ये अक्सर रिकॉर्डिंग पर लेट पहुंचती और इस वजह से मेरा प्रोग्राम जो है आप तक लेट पहुंचता है, मगर आज तकरीबन 2 घंटे लेट हो चुकी है वो अपने रिकॉर्डिंग से, अपने प्रोग्राम से, और अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुंची। इसका मतलब यह है कि शर्मीली आज नहीं आ रही, और ये बड़ी खुशखबरी है कि शर्मीली नहीं है और शर्मीली के बगैर हमारा प्रोग्राम होगा और आप इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज के प्रोग्राम में बहुत बड़े फनकार यहाँ हमारे मेहमान बनने वाले हैं। स्टेज टेलीविजन थिएटर का पूरा नाम है, वो यहाँ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। इससे पहले कि हम उन्हें बुलाएं, हम एक मतलब फिर एंजॉय करते हैं कि शर्मीली आज के प्रोग्राम में नहीं है, नहीं है। काश हो जाए, काश हो जाए कि मैं नहीं आऊंगी ना, बड़ी तंगियां निकल रही थी, मैं देख रही थी नहीं है कौन है, मैं स्मीत स्मीत है, आप नहीं होंगे डॉक्टर, कैसे चोटा में पाए में है, देखो देखो को मंगलियां मार दे मैंने, भाई स्मीत नहीं है, स्मीत है। विवर आपने देखा, आते ही उसने बदतमीजी शुरू कर दी, तकरीर शुरू। कहां थी आप, कौन है जो मैं वो जो पूछने वाले, कौन है आप, कौन बताओ, तुम्हारा वो तुमसे प्यार करता है, मैं नहीं, हां मैं नहीं, मुझे पता, मुझे जहर लगता हो जहर, तो इस जहर को कभी बोतल में घोल कर पी लो और खुदकशी कर लो, क्यों करूं मैं, एक तो गंदा जहर क्यों पीऊं मैं, अच्छी क्वालिटी का जहर पी, अच्छी नीला धोखा पियोगी, नीला चौथा पियोगी, क्या पियोगी, मेशिना ऐसे कुछ ना, वो दवाइयां जो स्प्रे होती है फसलों पर करने वाली, वो पियोगी, मुझे तुम्हारे जरा सही ना, कितनी बातें चुप पड़ो, अल्लाह का नफो पाप हो के पीछे में मैं वजह से बैठी हूं, तुम हमेशा आकर मुझे ये कहती मेरी वजह से बैठी हो, खुद लेट आती है, आज आधा घंटा लेट नहीं पहुंच सकती थी, आज का प्रोग्राम तो तुम्हारे बगैर मजेदार किस्म का हो जाता, नहीं बगैर प्रोग्राम है ही नहीं, प्रोग्राम का नाम ही मेरे पे है, शर्मीली, प्रोग्राम का नाम शर्मीली है और शर्मीली की जगह पर तू आ जाती है, मैं नहीं हूं, अच्छा आ गई है ना, हाय हाय कितने हाथ छोटे थे, पैसे जोड़े होते ना तो आज की जन्नत ढूंढ ले, पैसे जो जोड़े होते पैसे जो जोड़े हैं वो मेरे पास हैं, आप बैठ जाए यहाँ, व्यूअर्स बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि शर्मीली जो है वो चाहे देर से सही प्रोग्राम में पहुंच गई है, तो ये भी अच्छा हो गया है कि कुछ लोग शर्मीली को पसंद करते हैं, चाहते हैं वो उसकी मजेदार बातें करते हैं, और बहुत सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, ये जेलस होती रहती है और ये जेलस होकर फौरन अपना भालू आगे करती है, इसको पुमा करो, ये थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी थोड़ी करके खाई जा रही है, ये शर्मीली है, तो व्यूअर्स मैं आपको बताता हूँ कि हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान कौन है। जी हाँ, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान जो हैं वो आप टेलीविजन चैनल्स के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में देखते हैं उनको, वो वहाँ कॉमेडी कर रहते हैं, भरपूर रोल कर रहते हैं, थिएटर की दुनिया का वो बादशाह है और फिल्मों में भी उन्होंने किरदार अदा किए हैं और इस वक्त एक लेवल रखते हैं, बड़े फनकारों में उनका शुमार होता है, तालियां बजाकर हम उनका इस्तकबाल करते हैं, तशरीफ लाते हैं, ताहिर नौशाद। डॉक्टर साहब, मैं पहले एक गल दसो, तुसीं ते मैनूं कहा सी प्रोग्राम दे विच आओगे ते बड़े मौजूद पढ़े लिखे लोग मिलणगे, इत्थे तुसीं मैनूं मस्जिद दे नाल बिठा दित्ता, मेरे मुंह करेला बनया दे मामू ना 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 ना
बोलना तो सिख ला तू किड्डी वड्डी हो गई है वो पाकिस्तान स्टेट टेलीविजन फिल्म के सुपरस्टार है और दुनिया उनको पसंद करती है। चार ये सुपरस्टार जनाब तुसी पागल दे नाल बता रहे हो सुपरस्टार भी जा और तुम मुझे कद्दू 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 कह जा रही हो। शाप में कद्दू नहीं कहा। हां दुनिया के ओए नहीं तू ड्रामे च स्टेज ड्रामे च कद्दू कहा है तुमने। हां मैंने कब कहा है कहीं कहीं जाओ फिर कहीं क्या फर्क क्या कहा मैंने क्या फर्क है कहीं कहा एक मिनट तुसी ओदे नाल तो मेरे नहीं है तुसी क्यों कही जा रहे हो कही जा तुसी ओनु रोको ये मैंने कद्दू कहा तू क्या तू क्या कद्दू क्या फर्क पड़ता है फर्क क्या फर्क पड़ता है क्या तू कद्दू क्या हां कद्दू जो कहे जा रही है इसे क्या फर्क पड़ता है तू हजार बार उसके अगले पिछले सारे हक हमसाए खाने सारे कद्दू जगह जगह मिले जगह मिले जगह जमे मेरे बताइया जगह जमिया जगह जमे मेरे बताइया लेकिन बहुत बड़े फनकार ताहिर मुशाह साहब मेरे प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं। नहीं नहीं इतने भी कब कहते हैं ये बताने की जरूरत नहीं, हमारी आपस की बात है, लोगों को मत बताएं आपस की बात की मैं नहीं लोग दे देने उन्होंने पता नहीं लगा। मैंने कब कहता है वो ये कहती है ये तू इसे क्या क्या मस्त है ये मस्त क्या कद्दू को कद्दू 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 आ तू कब अपने मन में यूनिवर्सिटी च पढ़ाउनी है तू ही तो पागल है मस्त मैं मत नहीं पुत पुत्र मैं मत बगलोल तू तो हैगा इतना तू बनाया तू ता बेड़ा कर दे जी भी मतलब आज जो है मेरा प्रोग्राम है असल मौजू की तरफ आते हैं। ताहिर मुशाह साहब हमारे पास मौजूद हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है मोहब्बत। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसके बगैर रूह जमीन पर बसने वाला कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं। मोहब्बत चाहे माँ बाप से हो, मोहब्बत औलाद से हो, मोहब्बत भाइयों के दरमियान हो, मोहब्बत दोस्तों के दरमियान हो, मोहब्बत एक दूसरे से प्यार करने वाले जोड़े के दरमियान मोहब्बत एक ऐसा लतीफ रिश्ता है जिसके बगैर जिंदगी नामुमकिन है। तो मोहब्बत के बारे में आप क्या कहते हैं कि मोहब्बत होनी चाहिए ताहिर भाई या नहीं होनी चाहिए? जितों तक कुड़ी बैठी मैंने तो लगता दुख के बारे में कुछ कहना चाहिए। बाकी ये वे के मोहब्बत एक ऐसी चीज है डॉक्टर साहब जी के आपने अगर किसी को बहुत सख्त तल्ख बात भी कहनी है, अगर आप लड़के नहीं कहेंगे, मिसाल के तौर पे मैं आपसे किसी बात से नाराज बिल्कुल ठीक है, तो
तो अगर मैंने आपको बताना है कि यार आपने डॉक्टर साहब ये काम किया, ये गलत किया, अब मैं यही काम आपको लड़के भी कह सकता हूँ कि तू है की था, आगे से आप भी बोल पड़ेगे। जी बिल्कुल। आपने अगर गलती भी की है तो आप आगे से सच्चे होने के चक्कर में आप मुझसे लड़ पड़ेंगे। अगर मैं वही बात आपको प्यार से कहूँ डॉक्टर साहब मुझे इस बात का पता चला आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, चले मैं आपको अगर बुरा भी लगा तो मैं आपको ये सोचना चाहिए कि आप मेरे भाई हैं, बिल्कुल कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जब इंसान प्यार से तलखी वाली बात भी कह देता है तो अगले को समझ आती है, अगले को समझ भी आती है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट भी करता है, माफी भी मांग लेता है। तू मैं कद्दू है ना, तू छड्डू है, कितना पढ़ी है लैटर पढ़ गई बहुत खूबसूरत बात की है रिवर से ताहिर मशाह साहब ने कि कोई भी बात अगर आप किसी को गुस्से और जज्बात में समझाने की बजाय मोहब्बत से समझाएंगे तो मोहब्बत एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए वो बात अगले के दिल तक उतर जाएगी और वो उस बात को समझने में एक सेकंड भी नहीं लेगा और उसके रिजल्ट जो है वो मुस्बत निकलेंगे। इसी तरह मोहब्बत जो है माँ बाप से औलाद की होती है, तो माँ बाप से अक्सर औलाद जो है ना वो मोहब्बत से नहीं बदतमीजी से गुफ्तगू करते हैं, उससे दो चीजें होती है, एक तो वो माँ बाप का गुनाहगार होता है, अल्लाह का गुनाहगार होता है, दूसरा माँ बाप का दिल दुखता है। अगर आप अपने माँ बाप से अदब से मोहब्बत से गुफ्तगू करेंगे तो माँ बाप का दिल खुश होगा और मेरा अल्लाह भी उस पर राजी होगा। इसीलिए आपसे कहता हूँ कि आप मोहब्बत से अदब से गुफ्तगू किया करें। नहीं तो कच्ची बाची गुफ्तगू में चलो पाकी काशे भी लेते हैं। ये तो मोहब्बत का कोई तल्लुक नहीं, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि मोहब्बत में अगर आप अपनी बीवी को अपनी औलाद को मोहब्बत से बात करें, अपनी बीवी से मोहब्बत की आपने, इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपके अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, आपके अंदर मोहब्बत। अगर आपके अंदर मोहब्बत है और सॉफ्ट बन है तो दूसरे रिश्ते भी आपके साथ कायम रहेंगे। वाह वाह बहुत खूबसूरत बात। और दोस्तों के दरमियान जो मोहब्बत है वो अक्सर साल साल चलती है, अगर उस मोहब्बत में आप रखना डालेंगे उस मोहब्बत में भी आप कोई ऐसी गलत बात, देखिए दोस्तों के दरमियान गालम गलौज जो है वो मोहब्बत की कमी का बाइस है। और आप मजाक में कुछ अरसे के लिए गालम गलौज शुरू करते हैं तो फिर वो गालम गलौज बढ़ते बढ़ते आपके ताल्लुक और मोहब्बत में कमी पैदा करते हैं और ये रिश्ते खत्म कर देते हैं। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? उन्होंने भी आपसे मोहब्बत की है जिसे आपने की है? जनाब अगले हुसन देखते ने जो गुफ्तगू करते बाजी कह के चले जाते हैं। ये भी तो एक मोहब्बत है ना? नहीं नहीं एक ऐसी मोहब्बत है जनाब, जो उन्होंने देखा कि इसमें इनमें महबूबा वाली मोहब्बत नजर नहीं आई, वो निकाल लेनी है जी, तो इसमें अपनी बहन की मोहब्बत तलाश कर लेते हैं। नहीं जी नहीं वो जान छुड़ाने वास्ते भी कह के जाने बता के रखते दोनों मेरे पीछे आ जाए। बहन और भाई की मोहब्बत का एक ऐसा लतीफ रिश्ता आया है दोस्तों, क्या बात, सुभान अल्लाह, कि बहन और भाई की मोहब्बत जो होती है वो दुनिया की अनमोल तरीन मोहब्बत होती है। बहन की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत होती है जिसके जवाब में भाई जो है वो अपनी दुनिया भर की तकलीफें जो है वो भूल जाता है जब बहन उसको मोहब्बत देती है। जब जाता है या टेलीफोन पर जब बहन पूछती है भैया आपका क्या हाल है तो वो दुनिया भर की थकन उतर जाती है, दुनिया भर के दुख भूल जाता है। जैसे मैं ये बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि मेरी माँ
मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, वो यानी अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं बहुत प्यार करता था और करता हूँ, और मुझे ये फख्र है इस बात पे कि मेरी माँ ने मुझे अपनी जिंदगी में ही कह दिया था कि बेटा मैं जब भी जाऊँगी तुमसे खुश जाऊँगी। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि बेटा अपनी बहनों से अपनी बहनों का ख्याल रखना, इनसे प्यार करना। तो मेरी माँ के बाद मुझे ये, मैं यकीन से कहता हूँ कि मेरी माँ के बाद अगर सबसे ज्यादा मेरे लिए कोई दुआ करता तो मेरी दो बहनें हैं, वो मेरे लिए अल्लाह उनकी 24 घंटे मेरे लिए अल्लाह उनकी जिंदगी करे। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप के सर से गुजर जाने के बाद अगर आपको माँ का प्यार भी मिलता है और बाप का प्यार भी मिलता है तो वो आपकी बहनों से बेशक, और बहने सबकी सुखी रहनी चाहिए। जिंदगी में किसी बहन को कोई दुख तकलीफ नहीं आनी चाहिए। अल्लाह पाक हमेशा बहनों को सदा सलामत। आप भी किसी की बहन है, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, वो आपकी सूरत में पहले ही बड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, बस तो अल्लाह उनको मजीद कोई तकलीफ न दे। ये कोई बड़ी है, बाकी तो सारी दुआ है, उन्होंने कोई तकलीफ हो गई ना। आप कहेंगे हैं मुंह साफ कहेंगे, अगर बात की जाय बड़ी है जी। आज का प्रोग्राम का मौजू जो था वो हमारा था मोहब्बत, और मोहब्बत को मुख्तलिफ जावियों से हमने डिस्कस किया, और ताहिर शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, बड़ी मजेदार गुफ्तगू की, और आज इत्तफाकन जो है वो हमारी जो शर्मिली साहबानी से भी कुछ अच्छी बातें हो गई हैं इत्तफाकन। तो मैं बहुत मशहूर हूँ ताहिर शाह साहब आपका, और आप तो जो है ना मेरा शुक्रिया अदा करें कि मेरे साथ प्रोग्राम में बैठती हूँ। हाँ। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, और कोई अहम बात आने वाली नस्ल के लिए, मोहब्बत के हवाले से फनकारों के लिए ताहिर भैया कहना चाहते हैं? मेरे में भी हां जी, तेरे बारे से तो मेरा देखने तो दिल नहीं करता, कहने तो बहुत मन कर रहा है। जो ना डॉक्टर, बाकी अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह सेहत दे, आमीन, और अल्लाह अकल जरूर दे, जरूर दे। तो बाकी मेरी तरफ से सब जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं सब सबको बहुत बहुत प्यार, और कोशिश करें जिंदगी में हर किसी के साथ प्यार से जुड़ें, क्योंकि किसी को अपने साथ जोड़ने से पहले आपको खुद को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। वाह, और अपने आप को जोड़ेंगे तो वो सब आपके साथ जुड़ जाएगा। बहुत 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 शुक्रिया व्यूअर्स, आपने एक दिलचस्प और खूबसूरत प्रोग्राम देखा और बहुत खूबसूरत बातें सुनी। अगले प्रोग्राम में फिर एक नए मेहमान होंगे यहाँ हमारी जगह पर, मगर हम ताहिर मशाल साहब की बहुत मजेदार बातों को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।